जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को हैश कमांड पढ़ाया था, तो आज मैं ड्रा टूल बार की नीचे वाली सारी कमांड पढ़ाने वाला हूँ आपको। जैसा कि सबसे पहले इसमें स्पलाइन, स्पलाइन का काम क्या होता है, इसके जैसे मान लो जो मान लीजिए लाइन कर्व बनाना है हमको, जिसके इससे जो है हम लाइन कर्व बना सकते हैं। जहां से हम पॉइंट को क्लिक करते जाएंगे उसको पॉइंट को मिला करके जो है कर्व बनाता चला जाएगा। और सबसे बड़ी खास बात इसमें यह है कि जैसे मान लीजिए अदर कमांड लेते थे, तो कमांड को हटाने के लिए, कमांड से बाहर जाने के लिए हम इसकेप बटन प्रेस करते थे। तो इसमें क्या होगा, हम इसकेप बटन प्रेस नहीं करेंगे। जैसे ही इसकेप बटन प्रेस करेंगे, ये हमारी सारी जो भी हम बनाए हैं गायब हो जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, टैब प्रेस करेंगे या फिर इंटर बटन प्रेस करेंगे। जैसे ही हम टैब करेंगे, वैसे ही हमारा क्या होगा, हम कमांड से बाहर आ जाएंगे। जैसा कि इसके बाद दूसरा है हमारा क्या है, स्पलाइन सीबी। सीबी का मतलब होता है कंट्रोल वर्टेक्स। इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने अभी पिछले में बताया, जिस जिस पॉइंट पे क्लिक करेंगे उसको मिला के कर्व लाइन बनाएगा। बट इसमें क्या होता है, वर्टेक्स वाले में क्या होता है, इसमें जैसे मान लीजिए हम जो पॉइंट पे क्लिक करेंगे, जहां पॉइंट क्लिक करेंगे उस पॉइंट को एक वर्टेक्स मान करके कर्व को बनाएगा। ये देखिए, जहां पे पॉइंट पे हम क्लिक कर रहे हैं उसको क्या मान रहा है, वर्टेक्स मान रहा है और ये ड्रॉ कर रहा है। अब हमने स्पेस बार प्रेस किया। और सबसे एडवांस चीज इसमें यह है कि इस पे जब इसको हम एडिट भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग इसको हम एडिट कर सकते हैं। दोनों स्प्लाइन को हम एडिट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए स्प्लाइन पे हमने क्या किया, क्लिक किया, अब ये जो पॉइंट है हमारे, इस पॉइंट को हम स्ट्रेच करके देखिए हम इसको क्या करते हैं, एडिट भी कर सकते हैं। देखिए, हम अपने अकॉर्डिंग जो भी हमको बनाना है, जैसे भी कर्व लाइन बनाना है, इसको हम क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, हम एडिट कर सकते हैं। और जैसे ही इस पॉइंट पे हम अपनी कर्सर को ले जाएंगे, तो यहाँ पे कई सारे ऑप्शंस आएंगे, स्ट्रेच, फिट पॉइंट जो कि हमने बताया अभी, ये चेंज करने वाला। और दूसरा है क्या, एड फिट पॉइंट। जैसे मान लीजिए अभी हमारे पास पॉइंट्स कम है, तो हमको और भी कोई कहीं पे पॉइंट्स चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एड पॉइंट पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ये जहां पे हम पॉइंट ऐड कर देंगे वहां पे पॉइंट मिल जाएगा। देखिए, यहाँ पे भी पॉइंट नहीं था और यहाँ पे न्यू पॉइंट आ गया है। अब नेक्स्ट क्या रहा, रिमूव फिट पॉइंट। जैसे ही रिमूव फिट पॉइंट पे क्लिक करेंगे, वो वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। वैसे ही सेम इसमें है, स्प्लाइन कंट्रोल वर्टेक्स में, इसमें भी वही सेम है, स्ट्रेच वर्टेक्स। जैसे हम इसको स्ट्रेच करके इसको एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, इसके पॉइंट को हम अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। ये देखिए, और भी इसमें कई सारे फीचर्स हैं। ऐड वर्टेक्स, जैसे ऐड वर्टेक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्या होगा, न्यू वर्टेक्स ऐड हो जाएगा। ये देखिए, जहां पे हम क्लिक कर देंगे यहाँ पे देखिए एक वर्टेक्स ऐड हो गया। ये देखिए, यहाँ पे अभी तक नहीं था यहाँ पे। ओके, और भी है इसमें रिमूव वर्टेक्स। तो जैसे रिमूव पे क्लिक करेंगे क्या होगा, ये रिमूव हो जाएगा। अब नेक्स्ट कमांड है हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन। हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड हमको यहाँ से मिल जाएगी। हमने कमांड लिया, कमांड पे क्लिक किया, और इसके बाद इसमें कई सारे फीचर्स हैं। जैसा कि हम बना सकते हैं, अभी नॉर्मल ऐसे हम क्लिक करके बना रहे, देखो एक कंस्ट्रक्शन लाइन हमारी बन रही है। इसकी जो लेंथ होती है इनफाइनाइट होती है। चलो पहले अभी हमें जो बनाया इसको डिलीट करते हैं। हमने कंट्रोल ए किया और हमने डिलीट बटन को प्रेस किया है, डिलीट हो गया है। चलिए मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अब ये जो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन है, अब इसमें सबसे पहला चीज है हॉरिजेंटल। अगर जैसे मान लीजिए हमको लाइन को, कंस्ट्रक्शन लाइन हॉरिजेंटल बनानी है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एच इंटर करेंगे। अब हमारी जो भी लाइन बनेगी हॉरिजेंटल बनेगी। ये देखिए हॉरिजेंटल बन रही है ना। चलिए, हमने अब इसके बाद इसमें दो जो दूसरा फीचर्स है वो है वर्टिकल। अगर हमको इस कंस्ट्रक्शन लाइन को वर्टिकल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, वी इंटर करेंगे, तो क्या होगा, ये हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन वर्टिकल बनेगी सारी। ये देखिए, और हमने इसके बटन से इसको प्रेस किया, कमांड को हटाया। अब कंट्रोल ए करके इसको हम डिलीट करते हैं, ये हमने डिलीट कर दिया। फिर इसी में और भी बहुत सारे फीचर्स हैं। जैसे मान लीजिए किसी भी लाइन को हमको ऑफसेट करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन लाइन को ऑफसेट करना। चलो एक कंस्ट्रक्शन लाइन हमने बना दिया, चलो ये बना दिया, एक लाइन बना दिया। अब इस लाइन को क्या करना, ऑफसेट करना है। तो यहाँ से आएंगे, कमांड लेंगे और
ओ इंटर करेंगे, जैसे ही ओ इंटर करेंगे तो पूछेगा आप कितने पे डिस्टेंस पे ऑफसेट करना चाहें। जैसे मान लीजिए हमने 10 इंटर किया, जैसे ही 10 इंटर करेंगे उसके बाद पूछेगा, ऑब्जेक्ट को क्लिक करेंगे और नीचे की तरफ क्लिक कर देंगे। देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस 10 है, हमारा एक कंस्ट्रक्शन लाइन ऑफसेट हो चुका है। इसमें एक फीचर्स और है, बहुत बढ़िया फीचर्स है। अगर कंस्ट्रक्शन लाइन को हमको किसी एंगल पे ड्रा करना है, अगर एंगल पे ड्रा करना है तो क्या करेंगे, हमने कमांड लिया, कमांड लेने के बाद हम क्या करेंगे, ए इंटर करेंगे, एंगल के लिए क्या करेंगे, ए इंटर करेंगे। उसके बाद क्या पूछेगा, एंगल, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 45 डिग्री, हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन 45 डिग्री पे बननी चाहिए। देखो ये हमारी सारी कंस्ट्रक्शन लाइन कितने बनेगी, 45 डिग्री पे ही बनेगी। चलिए कंस्ट्रक्शन लाइन में सबसे बढ़िया एक फीचर्स है, मैं बता रहा हूँ, बाइसेक्ट। बाइसेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, बी इंटर करेंगे, उसके बाद क्या पूछ रहा है, फर्स्ट एंगल पॉइंट, सेकंड स्टार्ट एंगल पॉइंट और इंड एंगल पॉइंट। जैसे ही हम तीसरा इंड एंगल पॉइंट देंगे इसको और इंटर करेंगे, वैसे क्या करेगा, ये जो हमने दो लाइन को ड्रा किया था दोनों के बीच क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्शन लाइन को ड्रा कर देगा, मतलब क्या करेगा, दोनों को डिवाइड कर देगा। तो चलिए नेक्स्ट कमांड है हमारी जो है रे। रे में एक ही फीचर्स है, रे, जैसे ही आप रे कमांड लेंगे और इसको क्लिक करते जाएंगे, ये रे की तरह जो है बनता चला जाएगा। नेक्स्ट कमांड है हमारा जो है मल्टीपल पॉइंट्स। मल्टीपल पॉइंट्स के लिए होता है, हमने मल्टीपल पॉइंट्स कमांड लिया, क्लिक किया और हम जहां भी क्लिक कर देंगे मल्टीपल पॉइंट्स बनते चले जाएंगे। अभी पॉइंट्स हमको बहुत छोटे छोटे शो हो रहे हैं, इसके लिए हमको पॉइंट्स की जो स्टाइल होगी उसको चेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, यूटिलिटी में आएंगे और यहाँ पे पॉइंट स्टाइल में आएंगे। जैसे पॉइंट स्टाइल में हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए पॉइंट स्टाइल के बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, जो आप लगाना चाहें यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने इसको चूज किया और ओके किया, अब देखिए पॉइंट्स हमारे क्या हो गए, बड़े बड़े दिख रहे हैं। चलिए इसको हम कंट्रोल ए करके डिलीट करते हैं, हमने डिलीट किया। अब नेक्स्ट कमांड है हमारी जो है डिवाइड। डिवाइड का काम होता है, जैसे मान लीजिए कोई ड्राइंग है हमारी, उसको डिवाइड करना है। ड्राइंग है, ड्राइंग है, कोई ऑब्जेक्ट है, लाइन है, पॉलीलाइन है, कुछ भी है, सर्कल है, इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। जैसे मान लीजिए हमारे क्या है, एक सर्कल है, सर्कल की रेडियस कितनी है, 20 है, 20 रेडियस सर्कल है। अब इस सर्कल को हमारे को क्या करना है, पांच भागों में डिवाइड करना है। तो हमने क्या किया, डिवाइड कमांड लिया और जो है ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया। अब पूछ रहा है कितने सेगमेंट में आप इसको डिवाइड करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमको 5 सेगमेंट में डिवाइड करना है, 5 लिखा और इंटर कर दिया। अब देखिए 5 में ये हमारा डिवाइड हो चुका है। चलिए ऐसे ही आप लाइन को भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए एक लाइन है हमारी जिसकी लेंथ 50 है, इसको भी आप डिवाइड करना चाहते हैं तो डिवाइड कमांड से आसानी से डिवाइड कर सकते हैं। इसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद मान लीजिए 3 भागों में डिवाइड करना, हमने 3 इंटर किया और इंटर किया, देखिए 3 भागों में डिवाइड हो चुका है। नेक्स्ट कमांड है हमारे इसी में मेजर। मेजर का काम ये होता है, जैसे सेम डिवाइड में करते थे वैसे ही डिवाइड में, डिवाइड इसमें भी करते हैं, बट दोनों में डिफरेंस ये है कि डिवाइड में क्या करते थे, हम नंबर ऑफ सेगमेंट देते थे, कितने सेगमेंट में हमको बराबर डिवाइड करना, तो क्या करता था, सारे सेगमेंट को बराबर बराबर में डिवाइड कर देता था। बट मेजर में ऐसा नहीं होता, मेजर में क्या होता है, हम सेगमेंट की लेंथ देते हैं कि हमारे जो सेगमेंट डिवाइड होंगे उनकी लेंथ क्या होगी। तो देखते हैं इसमें, जैसे कि हमने एक जो है लाइन को ड्रॉ किया जिसकी लेंथ है 100। अब इसको आओ मेजर करते हैं, मेजर कमांड लिया हमने, अब इसको हमने सेलेक्ट किया। अब ये पूछ रहा है जो हमारा सेगमेंट होगा एक सेगमेंट की लेंथ कितनी होगी, जैसे मान लीजिए हमने दे दिया 30। ये देखिए 30 30 का हमारा सेगमेंट डिवाइड हो चुका है, 30 30 के हमारे 3 सेगमेंट हुए हैं, क्योंकि 30 30 के 90 होंगे और लास्ट का ये 10 हुआ है। यहाँ पे हमारा जो है लाइन जो है कम पड़ गई थी।
अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।